तो हमने पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं मम्मी, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं मीडियम। हमारे पास भी यहाँ एक सवाल है, फाइंड द मीडियम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास कुछ वैल्यूज है 17, 19, 11, 5, 3, 7, 9, 13, 15। ये भी फार्मूले के तहत ही हल होगा, फार्मूले के तहत हल होगा, लेकिन मीन में हमने सॉल्यूशन के बाद डायरेक्ट हमने फार्मूला लिखना था, लेकिन मीडियम में हमने इस तरह नहीं करना है। मीडियम में सॉल्यूशन के बाद हमने तरतीब से बनाना है। तरतीब से कैसे बना रहे हैं, पहले हमने छोटी रकम लिखी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि तरतीब से इसको अरेंज करो, यानी कि बनाओ इसको। तो देख आइए हम इसको तरतीब से बनाते हैं। हमारे पास सबसे छोटी रकम है 3, 5, इसके बाद है 7, इसके बाद है 9, इसके बाद है 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, अब हम मीडियम जो होते हैं ना, बीच वाली रकम को बोलते हैं। बीच वाली रकम ऐसी हो गई ना कि हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट मीडियम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले के तहत करना हो तो मैं आपको यहाँ छोटे से एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट हमने कर दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपके सामने मीडियम आ गया 11। यानी कि ये टोटल जो थी ना 9 नंबर्स थे। हमने इनकी बीच की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले हमने क्या किया, तरतीब से लिखा, उसके बाद हमने इसका मीडियम निकालना था। तो हमने चार अलग कर दिए यहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से चार अलग कर दिए, राइट हैंड साइड से बीच में रखे, और हमारे पास मीडियम है। आइए हम अपने मीडियम की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ एक फार्मूला होता है, फार्मूला है एन प्लस। अच्छा, एक और बात, अगर मीडियम में मीडियम नंबर जो होता है, जैसे हमारे पास यहाँ मीडियम नंबर 11 है, अगर वो इवन हो तो उसका फार्मूला अलग होता है, अगर वो ओड हो तो उसका फार्मूला भी अलग होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हमारे पास यहाँ कौन सा नंबर है, ओड नंबर है 11, तो इसका फार्मूला कौन सा होगा, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। आइए देखिए, एन मैंने मीन में समझाया था, नंबर्स को कहा जाता है, नंबर्स कौन से होते हैं हम इनको काउंट करेंगे। कितने नंबर्स हैं, 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे देखते हैं, 9 और 1 कितने हो गए, 10 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें देखेंगे 2 के टेबल पर 10 आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, 2 के टेबल पर 10 कब आता है, 2 5 10। तो हमारे पास मीडियम कितना है, हमारे पास यहाँ 5th आ गया, और 5th वैल्यू कौन सी है, जब हम देखेंगे तो कौन सी 11, तो मीडियम कितना आ गया 11। ये था हमारा मीडियम।